आप देख सकते हैं, और ये इस पूरे बिल्डिंग को जो है वो जैक पर खड़ा किया गया है। पहले बिल्डिंग की ऊंचाई देख लीजिए, फिर आपको अंदर लिए चलते हैं। आप मकान चारों तरफ आप देख सकते हैं कि जैक लगे हैं, और मकान जो है वो इसी जैक के सहारे ये पूरी बिल्डिंग खड़ी है, बचा हुआ है। ये अच्छा, कितना कॉस्ट आया होगा इसमें, क्या खर्चा आया होगा? खर्चा 230 रुपया स्क्वायर फीट पड़ता है दो मंजिल का। अच्छा, दो मंजिल, एक मंजिल होगा तो 150 रुपया स्क्वायर फीट। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं भोरे न्यूज अपडेट और मैं हूँ सुरेश कुमार राय। विज्ञान कितना आगे निकल चुका है ये बताने की जरूरत नहीं है। इंसान चांद पर पहुंच चुका है तो कई ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जो आपको हैरत में डाल देती है। अभी जिस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं वो न सिर्फ आपके लाखों रुपए को बचाता है, बल्कि इस नई टेक्नोलॉजी के कारण आप अपने मकान को हवा में खड़ा कर और ऊंचा भी उठा सकते हैं। आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो काफ़ी हैरत करने वाला है। आप हमारी बाईं तरफ से देखते जाइए, ये सबसे पहले हम आपको पूरी बिल्डिंग दिखाते हैं। आप देखिए, बाहर से हम आपको दिखाते हैं कि पूरी बिल्डिंग जो है वो कितनी बड़ी बिल्डिंग है जिसे जैक पर खड़ा किया गया है। आप देख सकते हैं, और ये इस पूरे बिल्डिंग को जो है वो जैक पर खड़ा किया गया है। पहले बिल्डिंग की ऊंचाई देख लीजिए, फिर आपको अंदर लिए चलते हैं। आपने देखा, और देखिए आगे से ही दिखा रहे हैं कि ये जैक पर ही पूरे बिल्डिंग को खड़ा किया गया है। आगे आइए, अंदर आइए, अंदर ले चलते हैं आपको। आप देखिए, ये बेसमेंट था, इस मकान का बेसमेंट था, ये अंडरग्राउंड बना हुआ था, जिसे बाहर से आए इंजीनियरों द्वारा जैक के माध्यम से इसे पूरा उठाया गया और इस मकान को अब नीचे से दीवार जोड़कर ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। हम आपको आगे लिए चलते हैं अंदर की तरफ। आप देखिए, पूरा मकान चारों तरफ आप देख सकते हैं कि जैक लगे हैं, और मकान जो है वो इसी जैक के सहारे ये पूरी बिल्डिंग खड़ी है। ये गाड़ी में इस्तेमाल करने वाला जैक है, और कैसे होता है हम पूरी अंदर चल के आपको बात बताते हैं। इस मकान के बाहरी हिस्से को हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जैक को उठाकर किस तरह मकान को ऊपर उठाया जा रहा है। ऐसा ये तकनीक है, आपको मकान को अगर ऊंचा उठवाना है तो आपको मकान तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मकान छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जैक से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जैक को उठाया जा रहा है, और जैक उठाकर इस मकान को बराबर किया जा रहा है। यहाँ जो ठेकेदार मौजूद हैं, ये जो काम कराते हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ज्योतिष कुमार। ज्योतिष कुमार, कहाँ घर है आपका? मधेपुरा जिला। अच्छा, मधेपुरा। हाँ। ये जो तकनीक है, इस तकनीक को क्या कहते हैं? जैक टेक्नोलॉजी। जैक टेक्नोलॉजी। हाँ। तो इसमें आप कितने मंजिल तक का मकान को उठा सकते हैं? 7 मंजिल तक उठा चुके हैं अभी तक। मतलब रिकॉर्ड है आपका 7 मंजिल? हाँ, तक हाँ, उठा चुके हैं। पटना में उठाए हैं। अच्छा। हाँ। ये काम आप कब से करते हैं? 2014 से कर रहे हैं। तो ये काम सीखे कहाँ से आप? हरियाणा से सीखे हैं। हरियाणा से। हाँ। और इसमें कितने, इस मकान जो मकान अभी आप उठा रहे हैं, हाँ, ये इसमें कितना जैक लगा हुआ है? 150 लगभग लगा है। 150 जैक लगा हुआ। हाँ। कितने मजदूर हैं इसमें? 17 मजदूर अभी वर्क कर रहा है। 17 मजदूर। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये जो मकान आप उठाए हैं, जमीन से कितना फीट ऊपर उठाए हैं? अभी तक 6 फीट के करीब है। जमीन से 6 फीट ऊपर आप उठा चुके हैं। हाँ। यानी कि ये 6 फीट नीचे था, आप देख सकते हैं कि ये मकान जो है 6 फीट नीचे था, इसको 6 फीट जमीन से ऊपर जैक के सहारे उठाया गया। उसके बाद क्या करते हैं आप लोग? उसके बाद यहाँ ऊपर तक दीवार जोड़ के पूरा, जब दीवार का काम फाइनल हो जाता है, लास्ट में पिलर नीचे। अच्छा, वाला ऊपर। एक चीज बताइए, जैसे आप लोग इसको जैक से उठा रहे हैं, हाँ, लेवल कैसे मिलाते हैं कि मकान तिरछा नहीं हो रहा है, या मतलब रिस्क तो काफी है? चारों कोना से लेवल मिलाते रहते हैं, 4 इंच जब उठता है उसी टाइम से देखते रहते हैं बार बार। अच्छा, एक बार में कितना इंच उठाया जाता है? एक बार में 4 इंच उठता है, एक दिन में 1 फीट से ऊपर उठ जाता है। एक दिन में 1 फीट से ऊपर उठता है। हाँ। तो इसको 6 फीट उठाने के लिए कब से काम कर रहे हैं? इधर देखिए, 6 फीट उठाने के लिए 20 तारीख से लगा है, अगले 20 तारीख से, मतलब 20 जून से। हाँ। और कंटिन्यू काम चल रहा है कि रुका भी है बीच में? कंटिन्यू चल रहा है, बीच में रुका नहीं। अब कितने दिन का काम है इसमें? इसमें 6 दिन का और बचा हुआ है। अच्छा, कितना कॉस्ट आया होगा इसमें, क्या खर्च आया होगा? खर्चा 230 रुपया स्क्वायर फीट पड़ता है दो मंजिल का। अच्छा, दो मंजिल, एक मंजिल होगा तो 150 रुपया स्क्वायर फीट। अच्छा, कितना फीट तक उठा सकते हैं वो आप? 1 से लेके 10 फीट तक। 10 फीट तक आप उठा सकते हैं मकान को, और
ईंटों वगैरह जो है वो आप ही का आदमी जोड़ता है या दूसरा कोई लेबर होता है? जोड़ने वाला, पिलर वाला सब काम हम ही लोग करते हैं, सिर्फ फर्श का काम मालिक अपने से करवाता है। आप लोग का काम जो है बस यही है? हाँ। अच्छा, इसको पूरा करने में कितना दिन लगेगा अभी? और लगभग 6 से 8 दिन के अंदर ही हो जाएगा। 6 से 8 दिन के अंदर? हाँ। अच्छा, तो आप एक चीज बताइए कि इसको जब आप सीखे, हाँ। आपने कहा कि हम हरियाणा से सीखे, हाँ। तो आप अभी सीखे तो सिखाए भी किसी को हैं या अभी? नहीं, मेरा अभी भाई मतलब... भी कर रहा, मेरा छोटा भाई वो अभी वहाँ बक्सर में है, वो भी अलग करता है। हाँ। दो जगह भी हो रहा है, 2-3 जगह हो रहा है काम मेरा, और 4-5 गो हम सिखाए भी हैं, उसका भी टीम अलग हो रहा है काम। अच्छा, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में, पटना में, मतलब बिहार में ही काम कर रहे हैं? हाँ। उत्तर प्रदेश भी जाता है? बिहार में सभी जगह, और ऑल इंडिया भी करते हैं। जहाँ का, हाँ, जहाँ वर्क मिला वहाँ कर दिए? हाँ, ज्यादातर बिहार में करते हैं ज्यादातर। हाँ। तो कितना कितना दिन घर से बाहर रहना होता है? घर से 1 महीना 1 मकान में लगभग लगता है। 1 मकान में? हाँ। अच्छा, ये खाना पीना किसका होता है? खाना पीना उसी में, 230 रुपया स्क्वायर फीट में। अच्छा, आप ही को देना है? हाँ। आपने सुना कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसे जैक टेक्नोलॉजी कहते हैं, और इस मकान को उठाने में 150 जैक लगा है। आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम मजदूर हैं ये लगे हैं और जैक को उठा रहे हैं। और अभी कितना उठाया जा रहा है जैक को? अभी उठ रहा है 6 फीट में, 4 इंच कम है, वही 6 फीट पुरने वाला है। अच्छा, ये अब लास्ट ही है 6 फीट पूरा होने वाला? हाँ, ये जो पूरा चूड़ी देख रहा है जैक का, वो पूरा निकल जाएगा, 6 फीट पूर जाएगा। अच्छा। हाँ। और उसके बाद जुड़ाई का काम शुरू करेंगे? अच्छा, जुड़ाई के बाद काम खत्म आपका? हाँ। चलिए, तो आपने देखा कि ये जैक टेक्नोलॉजी थी, एक अजूबा काम है। अंदर फिर लिए चलते हैं आपको और अंदर दिखाते हैं, अंदर भी मजदूर लगे हैं और दूसरी मकान के अंदर से भी काम चल रहा है। आइए अंदर आपको दिखाते हैं। ये मकान का अंदर का हिस्सा है और ये सीढ़ी आप देख सकते हैं, ये सीढ़ी आप अंदाज़ा इसी से लगाइए कि सीढ़ी इस ज़मीन में था, और अभी आप इसकी हाइट देखिए कि मकान को कितना ऊपर उठा दिया गया है। आपसे अगर किसी को संपर्क करना हो बनवाने के लिए इसे, तो कैसे संपर्क करेगा? संपर्क फेसबुक द्वारा होता है, मेरा नाम आईडी पे है ज्योतिष कुमार मंडल। अच्छा, वही सर्च करेगा तो आ जाएगा, बहुत सारे वीडियो है उसी में। तो ये ज्योतिष कुमार मंडल है, इनके फेसबुक आईडी जो है ज्योतिष कुमार मंडल के नाम से है, और आप उस पर भी जाकर इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको आपका मकान जो है वो आपको लग रहा है कि थोड़ा डाउन है और ऊपर उठवाना है, तो आपको 1 मंजिल के लिए 150 और 2 मंजिल के लिए 230 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च करना होगा। मकान आपका ऊपर उठ जाएगा, ईंट बालू सीमेंट का खर्च भी आपको ही देना होगा और मकान ऊपर उठ जाएगा बिना मकान को तोड़े, बिना नुकसान पहुंचाए। तो जो मकान झुक भी जाता है उसको भी सीधा कर देते हैं, मकान गिरने वाला रहता है उसको हम लोग बचा लेते हैं। तो ये बड़ी बात है, मकान बनाने में जिंदगी की पूरी कमाई लग जाती है, गाढ़ी कमाई लगती है। और मकान कभी कभी ऐसा भी आपने देखा होगा कि ज़्यादा बारिश होती है तो मकान झुक जाता है, मकान गिरने वाला होता है। ज्योतिष जी का कहना है कि उसे भी हम लोग बचा लेते हैं। उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, वो कैसे बचाते हैं? वो पूरा जिस तरह यहाँ लगा हुआ है जैक, इसी तरह लगाते हैं, जिधर से झुका हुआ रहता है उस तरफ से उठा देते हैं, 4 इंच झुका रहता है इस साइड से कस देते हैं। ये हथवा में भी किए हैं 6 महीना पहले। अच्छा, हथवा भी आए हुए थे, मकान झुका हुआ था? हाँ, सीधा किए हैं वहाँ पे। तो मतलब आप पूरी तरह से पारंगत हो गए हैं? हाँ। कितना साल हो गया, अनुभव कितना हुआ? मेरा 26 वर्ष हो रहा है, 2014 से कर रहे हैं काम। 2014 से आप लगातार इसमें काम कर रहे हैं? हाँ। तो ज्योतिष जी ने पूरी जानकारी दी, और आपको भी अगर लगे कि नहीं आपका मकान झुक रहा है या नुकसान पहुंचने वाला है, तो आप इनकी टीम से संपर्क कर सकते हैं। मकान को ऊपर उठवाना है तो भी संपर्क कर सकते हैं। और इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में।